एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एयर प्रेशर लेसन सीखेंगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन क्लिक करो। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स लाइन से देख सको। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने साइंस के चैप्टर नंबर 3 के प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में यह एक्टिविटी की थी। इस एक्टिविटी में हमने दो एयर से भरे बलून्स लिए थे और इसमें से एक बलून फोड़ दिया था। इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि एयर में वजन होता है। जिस चीज का वजन होता है वो उसके नीचे के चीज पर प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रकार एटमोस्फेयर में एयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालती है। इस एयर प्रेशर के कारण एटमॉस्फेयर में स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के घटनाएं घटती है। एयर प्रेशर में वेरिएशंस होती है, वो अर्थ के सरफेस पर सभी जगह पर एक जैसे नहीं होती। एयर प्रेशर समय समय पर बदलती रहती है। एक रीजन की ऊंचाई, एयर टेम्परेचर और एयर में वाटर वेपर की मात्रा, यह कुछ फैक्टर्स है जो एयर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। Altitude of the region and air pressure. अर्थ के सरफेस के पास एयर में डस्ट, वाटर वेपर, हैवी गैसेस आदि की मात्रा ज्यादा होती है। यह मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होते जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर और ऊपर जाते हैं, एयर पतली और पतली होती जाती है। नतीजन ऊंचाई बढ़ने के साथ एयर प्रेशर कम होते जाता है। एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे। इसके लिए हमको एक उड़ने वाला लैंटर्न लगेगा। लैंटर्न के पैकेज पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद लैंटर्न को बाहर निकालो। इस लैंटर्न को हम 5 मीटर के लंबे धागे से बांध देंगे ताकि उस उड़ते हुए लैंटर्न को हम नीचे ला सके। उसमें रखे कैंडल को ध्यान पूर्वक जलाओ। लैंटर्न को कैंडल के हॉट एयर से फूलने दो। जब लैंटर्न पूरी तरह से हॉट एयर से भर जाए तब उसे धीरे से आसमान में छोड़ दो। उसके धागे को पकड़े रखो। थोड़ी देर बाद उसे धागे के मदद से नीचे लाओ। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जैसे ही हमने कैंडल जलाई लैंटर्न के अंदर की हवा गर्म होने लगी। गर्म हवा एक्सपैंड होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, इसलिए वो लैंटर्न को आसमान की ओर ऊपर धकेलती है। नेचर में भी ऐसे ही घटना होती है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवा गर्म होती है, एक्सपैंड होती है और हल्की हो जाती है। अर्थ के सरफेस के आसपास की यह हल्की हवा आसमान की ओर बढ़ने लगती है। नतीजन ऐसे रीजन्स में एयर का प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर जोन और प्रेशर बेल्ट्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, लेकिन टेम्परेचर जोन के लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट बहुत बड़े हैं, जबकि प्रेशर बेल्ट्स के नैरो है। उदाहरण के लिए टेम्परेचर जोन 23 डिग्री 30 मिनट से 66 डिग्री 30 मिनट तक फैला हुआ है। उसकी कंपैरिजन में प्रेशर बेल्ट्स का एक्सटेंट लिमिटेड है। यह आमतौर पर 10 डिग्री पैरेलल तक होता है। टेम्परेचर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। इससे इक्वेटर के बीच और पोल्स की तरफ हाई और लो प्रेशर का बेल्ट हॉरिजॉन्टली फॉर्म होता है। सन से प्राप्त होने वाली हीट विभिन्न रीजन पर अलग अलग होती है, इसलिए टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर से पोल्स तक अनइवन होता है। इस वजह से अर्थ पर टेम्परेचर जोन क्रिएट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था। प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सन के रेस परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इसलिए इस रीजन का टेम्परेचर अधिक होता है। इसलिए इस रीजन में हवा गर्म होकर एक्सपैंड होकर हल्की हो जाती है। चूंकि ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इस रीजन के सेंट्रल पार्ट में पैरेलल 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच
एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इस बेल्ट को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर बढ़ने लगती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर पोलर रीजन्स के ओर यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स की ओर बढ़ती है। अधिक ऊंचाई पर कम टेम्परेचर के कारण हवा ठंडी होती है और भारी हो जाती है। ये भारी एयर 25 डिग्री से 35 डिग्री पैरेलल रीजन तक दोनों हेमिस्फीयर में नीचे की ओर उतरती है। इससे दोनों हेमिस्फीयर में पैरेलल और लैटिट्यूड में हाई प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होता है। इन बेल्ट्स को मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट्स कहा जाता है। यहाँ पर एयर ड्राई होती है, इसलिए इस रीजन में बारिश नहीं होती। नतीजन अर्थ पर हॉट डेजर्ट्स भी इन्हीं रीजन में पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूडिनल बेल्ट्स के रीजन में नीचे उतरी हुई एयर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट फिर से इक्वेटोरियल रीजन की ओर बढ़ता है और दूसरा पार्ट पोल्स की ओर बढ़ता है। दोनों पोलर रीजन में पूरे साल भर के लिए टेम्परेचर जीरो के नीचे ही रहता है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इन्हें पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। यह आमतौर पर 80 से 90 डिग्री के बीच के एरिया में रहते हैं। ये एयर अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन की ओर बढ़ती है। मिड लैटिट्यूडिनल से आने वाली एयर और पोलर रीजन से आने वाली एयर एक दूसरे से टकराते हैं। चूंकि ये दोनों एयर अर्थ के सरफेस के पास टकराते हैं, उन्हें नीचे जाने को नहीं मिलता, इसलिए वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं। इन्हें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स कहा जाता है। ये बेल्ट्स 55 डिग्री से 65 डिग्री तक होता है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स के रीजन से ऊपर जाने वाली एयर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट फिर से इक्वेटोरियल रीजन की ओर बढ़ता है और दूसरा पार्ट पोल्स की ओर बढ़ता है। इस प्रकार अर्थ पर विंड कई लूप्स में सर्क्यूलेट होती रहती है। इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से विंड उत्पन्न होती है, स्टॉर्म्स के भी उत्पत्ति होती है। एयर प्रेशर से कन्वेक्शनल टाइप्स की बारिश गिरती है। ऑलवेज रिमेम्बर, टेम्परेचर जोन और प्रेशर बेल्ट्स के बीच में डिफरेंस यह है कि टेम्परेचर जोन कंटिन्यूअस होते हैं, जो इक्वेटर से लेकर पोल्स तक टोरिड से फ्रिजिड जोन तक जाते हैं। प्रेशर बेल्ट कंटिन्यूअस नहीं होते और इक्वेटर से पोलर रीजन तक विभिन्न रीजन्स में हाई और लो प्रेशर के रीजन्स पाए जाते हैं। आइसोबार्स। मैप पर इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस को जब हम जॉइंट करते हैं तो लाइंस को आइसोबार कहा जाता है। इस मैप पर हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जिससे आपको आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए। यह सभी ब्लू कलर के लाइंस आइसोबार्स है। इन आइसोबार्स का नेचर क्या है? आइसोबार्स के लाइंस मैप पर इक्वल एयर प्रेशर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं। हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स की लैटिट्यूडिनल पोजिशन क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट्स की लैटिट्यूडिनल पोजिशन 25 डिग्री से 35 डिग्री पैरेलल्स के बीच और 80 डिग्री से 90 डिग्री पैरेलल्स के बीच इन दोनों हेमिस्फीयर में मौजूद है। लो प्रेशर बेल्ट्स की लैटिट्यूडिनल पोजिशन 0 डिग्री से 5 डिग्री पैरेलल्स के बीच और 55 डिग्री से 65 डिग्री पैरेलल्स के बीच इन दोनों हेमिस्फीयर में मौजूद है। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से जाने वाले आइसोबार्स और ओशंस के ऊपर से जाने वाले आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर आइसोबार्स साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से जा रहे हैं। इन आइसोबार्स का डिस्टेंस अलग अलग है। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन के ऊपर से जाने वाली आइसोबार्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। इन आइसोबार्स के बीच का डिस्टेंस एक जैसा है और वो एक दूसरे से पैरेलल है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के आइसोबार्स कंपेयर करो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले आइसोबार्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है और अनइवन भी है। सदर्न हेमिस्फीयर वाले आइसोबार्स एक दूसरे के आसपास है और पैरेलल भी है। ऑलवेज रिमेम्बर, एयर प्रेशर को मिलीबार्स में मापा जाता है। इसके लिए बैरोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से अर्थ के सरफेस पर एयर प्रेशर को मापा जाता है। सी लेवल पर एयर प्रेशर 1013.2 मिलीबार्स है। क्या आपको पता है
अर्थ पर सभी चीजें ग्रेविटी के कारण अर्थ से चिपके हुए रहते हैं। इसमें एयर भी शामिल है जो गैसियस फॉर्म में होती है। अर्थ के ग्रेविटी के कारण एयर अर्थ के सरफेस पर खींची जाती है, इसलिए सी लेवल पर एयर प्रेशर अधिक होता है। ध्यान दें कि एयर हर चीजों पर और हम सहित सभी पर प्रेशर डालती है। ऐसा माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति के सर पर एयर कॉलम का भार 1000 किलोग्राम होता है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।